साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं उदयपुर की सबसे खूबसूरत, सबसे छोटी सरोवर भी कह सकते हैं, सबसे सुंदर झील है जिसका नाम है बड़ी की झील। बड़ी की झील की विशेषताएं ये है कि ये एक तो ये झील जो इधर उभेश्वर जी महादेव जी का जो पानी है और वो जो पहाड़ियाँ दिख रही हैं, इस ये पहाड़ियों का पानी ही यहाँ पे आता है। और ये झील जो है काफ़ी गहरी है, कहते हैं उदयपुर की सबसे गहरी जो झील है वो यही झील है। और इसमें कई मगरमच्छ जैसे जीव भी है, बड़ी मछलियाँ भी हैं। और एक विशेषता मैं आपको बता दूं, इस झील की विशेषता ये है कि इस झील में कभी भी कचरा नहीं होता है, जलकुंभी जैसी कोई भी चीज़ नहीं होती। और पीने के पानी के लिए ये एकमात्र बहुत ही जो शानदार है, बहुत ही अच्छी स्वच्छ पानी की झील है। काफ़ी मोटरें देखिए अभी भी चल रही हैं और लगातार जो है पानी जो है पूरे उदयपुर में पीने के लिए भी सप्लाई होता है, आसपास के गांवों में जो है वो सप्लाई होता है। तो उदयपुर की झीलें जो है वो बड़ी लाइफलाइन है, यहाँ की छोटी बड़ी झीलें राजा महाराजाओं के ज़माने की बनी हुई झीलें हैं। और राजा महाराजाओं ने बड़ी ही लंबी सोच के साथ इन झीलों का निर्माण किया कि किस कैसे शहर बढ़ेगा, शहर बढ़ेगा तो लोगों को पानी की ज़रूरत पड़ेगी, और पानी की ज़रूरत पड़ेगी तो इन झीलों को बनाकर कैसे रखा गया। देखिए कितना बड़ा विशाल ये पूरा जो है पाल बना के और उस ज़माने में रोका गया पानी को। घूमने के लिए लोग आएंगे, सैलानी आएंगे, उसके लिए सुंदर सुंदर छतरियाँ बनाई गई, पेड़ पौधे लगाए गए। और फिर धीरे धीरे जब प्रशासन के हाथ में जब बागडोर आई तो उन्होंने ये सारी पूरे चारों ओर बाउंड्री वाल बनाई। मतलब जिस कार्यकाल में जिनको मौका मिला सभी ने कुछ न कुछ हमारे देश को दिया है। और इसी क्रम में आप देखें कि ये बड़ी की झील बनाकर हमारे राजा महाराजाओं ने बहुत ही ऐतिहासिक काम किया, जिसको देखने के लिए दूर दराज से हज़ारों लाखों लोग जो है देखने के लिए आते हैं। बड़ा ही अच्छा लगता है उदयपुर का ये सौंदर्य खूबसूरत। और मैं बताऊं आपको कि हर रविवार को शाम को भी काफ़ी यहाँ पे सैल पहल रहती है और पुलिस का प्रशासन का भी यहाँ सख्त फेरा रहता है। एक दो बीच में हादसे हुए थे, उसके बाद प्रशासन भी सख्त है और लगातार पर्यटकों को और पर्यटकों की सुरक्षा के लिए प्रशासन भी जवाबदेही है, लगातार वो गश्त यहाँ पे करते रहते हैं। तो अच्छी बात है, डरने की ज़रूरत नहीं है, सावधानी की ज़रूरत है। आराम से आएँ, घूमें, इंजॉय करें, आनंद लें और शराब न पिएं। शराब पीना गैरकानूनी है, शराब पीकर वाहन न चलाएं, क्योंकि शराब पीकर अगर आप वाहन चलाएंगे, यहाँ काफ़ी टूरिज्म आते हैं, गांव के लोग काफ़ी आते हैं, मवेशी यहाँ पर रहते हैं, तो आपके शराब पीने से गाड़ी फिसल सकती है, किसी को नुकसान हो सकता है, इसलिए शराब का सेवन न करें। घूमने के हिसाब से आएँ, इंजॉय करें आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो बहुत ही सुंदर झील है, बड़ी की झील है, शानदार है। और हमारे राजा महाराजाओं ने बहुत ही सुंदर सोच के साथ, एक लंबी सोच के साथ इन झीलों का निर्माण किया है, जो आज भी नगर की प्यास बुझा रही है, नगर की शोभा बढ़ा रही है, देश और विदेश से लोग देखने के लिए आते हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। ग्रामवासियों से निवेदन है कि वो इस झील के अंदर कचरा न डालें, गंदगी न डालें, गंदे नाले न डालें, गंदे कपड़े न धोएं। इस झील को साफ़ सुथरी जितनी आप रखेंगे, जैसे आप अपने घर को साफ़ सुथरा रखते हैं, उसी प्रकार से आप इस झील को साफ़ सुथरी रखिए। ये बहुत ही जो पानी है हमारे लिए जीवन है, जल नहीं तो कल नहीं, जल नहीं तो जीवन नहीं, इसलिए आप इस बातों को ध्यान दें। और हमारे जो राजा महाराजा जिन्होंने इतनी सुंदर सोच के साथ झीलों का निर्माण किया, अब हमें वक्त आ गया है कि हमें इसकी रक्षा और सुरक्षा करनी है। तो आप देख सकते हैं कितनी सुंदर झील है, मैं आपको तो यहाँ से भी ताज़ा दृश्य दिखाना चाहूँगा कि हर कोई इस दृश्य को अपने कैमरे में कैद करना चाहता है। तो बड़ी की झील का घूमने का आनंद ही अलग है। और यहाँ से पानी देखिए, आज के ज़माने में तो बटन दबाते गेट खुल जाते हैं, लेकिन उस ज़माने में देखिए राजा महाराजाओं ने किस प्रकार से वाल का सिस्टम बनाया, यहाँ से घुमाओगे तो उधर पानी जाएगा। तो आइए, आज रविवार का दिन है, खूब घूमने के लिए आइए, खूब इंजॉय। तो बड़ी की खूबसूरत झील का आनंद लेते रहिए, बहुत ही शानदार झील है। और उदयपुर की लाइफलाइन है हमारी ये सुंदर सुंदर झीलें, इन्हें स्वच्छ रखें, सुंदर रखें, खराब ना करें, गंदगी ना करें। जितनी इन्हें स्वच्छ रखेंगे उतने ही हम स्वच्छ रहेंगे,
स्वस्थ रहेंगे, हेल्दी रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।